इस समय मैं भाटादोड़िया के उसी इलाके में हूं जहां पिछले 21 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। आज 19 दिनों के बाद जम्मू पुंछ हाईवे को खोल दिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये पीछे मेरे आप इलाका जो देख रहे हैं, ये घने जंगल जो देख रहे हैं, इन्हीं घने जंगलों में आतंकियों और सेना के बीच जो मुठभेड़ है वो चल रही थी बड़े पैमाने पर। आज भी सेना की तरफ से इस पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और आज जम्मू पुंछ हाईवे को भी खोल दिया गया है, क्योंकि इस जो हमारे रजौरी पुंछ और सुरमकोट का इलाका है, इन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक मैंडर के रास्ते इन लोगों को जम्मू या रजौरी जाना पड़ रहा है, उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से सनी शर्मा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, बस इनका गाँव है। बताएं, मैं 12-13 दिन से यहाँ था, बहुत परेशानी थी, पानी कहीं से लेकर आना पड़ता था, राशन पानी दूर से लेकर आना पड़ता, बहुत परेशान था। और आज रास्ता खुल गया, बहुत अच्छा काम है, दीपावली के घर पर ही चले जाएंगे बाल बच्चों के पास में। ये क्या कह रहे थे, क्यों रास्ता बंद? रास्ता तो बोल रहे हैं मिलिट्री वाले के आतंकवादी इधर घुस गए, इसलिए बंद किया भाई, आम जनता को कोई नुकसान ना पहुँचे।